हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया सभी के। चलो सो दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट का सेकंड पार्ट यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो तीन तरीके से हमने ब्रांड एम्बेसडर आपको पढ़ाया है। सबसे पहले दोस्तों क्या था कि सबसे पहले तो हमने कंपनी के नॉर्मली जो होते हैं उनको देखा, आज भी कंपनियों के होंगे इस क्लास के अंदर। लेकिन इसके अलावा एक ब्रांड एम्बेसडर हमने दोस्तों और पढ़े हैं, जो कि आपके गवर्नमेंट सेक्टर के ब्रांड एम्बेसडर है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने, सेक्टर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली हुई है, उन सबके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो हमने एक अलग क्लास में अलग लिस्ट बना के वो पढ़ दिए। तो आपको ऐसे क्या फायदा रहेगा कि आपको जो नॉर्मली होते हैं कंपनीज वगैरह के वो तो अलग से याद आपको हो जाएंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं वो मिक्सअप ना हो, इस वजह से आपको वो अलग क्लास में मिल जाएंगे। वो आपने देख भी लिए होंगे शायद, ठीक है। क्लास अपलोडेड हो चुकी है। सो दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आपके इस क्लास को करना। और दोस्तों आपको ये सारी क्लासेस, सारे टॉपिक्स जो मैनली रूप से, मतलब मैन एक तरीके से हम कहेंगे तो आपके सामने आ रहे हैं, जो कि आप सभी को बताए कि एक बहुत ज्यादा एक बेस्ट प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और जैसा भी आपका एक्सपीरियंस होता है क्लास को लेके, कुछ भी आपको सजेशन या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन देनी होती है, डिस्क्रिप्शन देना होता है या कुछ भी बताना होता है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट है आज का हमारा पेज आपके सामने, जिस पर लिखा हुआ है पहले वर्ड कोलगेट, ठीक है। पहला शब्द क्या है? कोलगेट का है। कौन है इसके ब्रांड एम्बेसडर? अनुष्का शर्मा है। उसके बाद में काजोल जो है, काजोल किसकी है? आपकी लाइफ बॉय की है, ठीक है। चलिए उसके बाद में हॉर्लिक्स के देखते हैं। बहुत इजी इजी है, पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाएंगे, मजा आएगा क्लास के अंदर, ठीक है। लास्ट तक बैठे रहो, और इस क्लास के बाद आपको ब्रांड एम्बेसडर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने की, कोशिश बस ये करना। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई घुट्टी आपको मेरे पास होगी मैं आपको दे दूंगा, आपको भी पता है खुद इस लेवल से ऊपर निकल चुके हो। सो दोस्तों बस ध्यान से याद करते चलना, सब हो जाएंगे आराम से, ठीक है। चलिए स्टार्ट तो हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। हॉर्लिक्स के कौन है दोस्तों? आपकी तापसी पन्नू, ठीक है। काफी अच्छा एक इनका रोल रहता है हमेशा एक्ट्रेस का हर पिक्चर को लेकर, तो हॉर्लिक्स की तापसी पन्नू बनी हुई है। उसके बाद में डेटॉल इंडिया की हम बात करेंगे, तो अमिताभ बच्चन डेटॉल के ब्रांड एम्बेसडर है। मास्टर कार्ड आईबीपीएस में काफी बार पूछा गया है, ये भी आपका, ठीक है। एसएससी के अंदर भी काफी बार आया है, जो अभी सीजीएल आपका एग्जाम चल रहा है, और इसके साथ साथ में एक ऐसा एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी इसको पूछा गया। सो स्टेट और सेंट्रल दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मास्टर कार्ड के कौन है? आपके महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। बात करते हैं सिस्का एलईडी की, तो सिस्का एलईडी के भी आपके अमिताभ बच्चन जी ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, ठीक है। ये पेज बड़े आराम से क्लियर हो गया, और आपको पढ़ते पढ़ते भी याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। और अगला पेज हमारा क्या है? फर्स्ट वर्ड क्या लेकर आया है? मणिपाल हॉस्पिटल, ठीक है। इसके कौन है? राहुल द्रविड आपके ब्रांड एम्बेसडर है इस एक संस्था के। डिश टीवी के कौन है? रणवीर सिंह, ठीक है। डिश टीवी के सबसे पहले एक लगभग अगर 2017 तक की मैं बात करूं तो शाहरुख खान आपके होते थे, ठीक है। लेकिन फिलहाल में अब कौन है? रणवीर सिंह है, ठीक है। चलिए नोकिया की बात करते हैं, हालांकि पढ़ना पड़ेगा, आप कुछ भी इस चीज को समझो कि ये क्यों आ गया, लेकिन आ सकता है एग्जाम के अंदर। आलिया भट्ट नोकिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है। उसके बाद में हॉलोस्यूट जो है आपका युवराज सिंह ब्रांड एम्बेसडर, ये भी पूछा गया है आपका। आईबीपीएस के एसबीआई वाले एग्जाम में पूछा गया ये ब्रांड एम्बेसडर, और इसके बाद में आरआरबी ग्रुप डी हुए थे उसके अंदर भी आया था, ठीक है। हॉलो सीट जो 2018 वाला एग्जाम था, तो हॉलो सीट के कौन हो गए? युवराज सिंह हो गए, क्योंकि इनको तब भी बनाया गया था उस एग्जाम के समथिंग में, वो चल रहा था एक दो महीने पहले इनको बनाया था, तो पूछा गया था, तो आ सकता है आगे भी। मारुति की कौन है? आपकी वरुण धवन ब्रांड एम्बेसडर हो गए, ठीक है। भारत मैट्रिमनी की कौन हो गए? आपके एम एस धोनी, सबसे ज्यादा एक इसके आप एड भी देखते होंगे और आने वाली चीज है एग्जाम के अंदर, ठीक है, ध्यान से याद करना एम एस धोनी के बारे में। भारत मैट्रिमनी के हो गए। युवा लीड्स के कौन है? आपकी आलिया भट्ट है, ठीक है। कौन है युवा लीड्स की? आलिया भट्ट। क्लियर वाला पेज भी पढ़ा आराम से, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है नवनीत एजुकेशन लिमिटेड के कौन है भाई? ये है आपके पृथ्वी शॉ, ठीक है। क्रिकेटर है भारतीय बल्लेबाज है। अपोलो टायर्स के कौन हो गए? सचिन तेंदुलकर हो गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट फॉर योनो भाई, देखना पड़ेगा ध्यान से, पूरे वर्ड याद करना पड़ेगा, कौन है? सपना बारमन। उसके बाद में दसवन इंडिया के कौन हो गए? आपके आमिर खान हो गए। उसके बाद में रूपैन कंपनी के कौन है? अनुष्का शर्मा आपकी ब्रांड एम्बेसडर होती है रूपैन कंपनी की, ठीक है। देखो कितने आराम से, कितने अच्छे से हम इनको याद करते हुए चल रहे हैं, बड़ा आराम से, आपको भी मजा हो रहा होगा दोस्तों। और याद तो देखो करने पड़ेंगे ही सारे, ठीक है। आप सभी इस चीज में लगे हुए हो, तो सारी चीजें आप काफी बार मैसेज भी आ रहे थे इन सब चीजों की लिस्ट लेकर आने की, तो आ चुकी है। और दोस्तों जैसे भी आपको लगते हैं, जैसे भी क्लास ही आपको लग रही है, जरूर से एक कमेंट और लाइक जरूर से करना, ताकि हमें भी और हम मोटिवेट हों। आपके द्वारा ही होते हैं हमेशा से, और भी अच्छी अच्छी चीजें इसी तरह की ढूंढ ढूंढ के, मतलब पॉइंट्स जो होते हैं एग्जाम्स के, वो आपके सामने आ जाए। ज्वाइंट डॉट्स की बात करेंगे तो ये किसके हैं? ये आपके सुजी डी मार्क्स वी क्रॉक्स के। उसके बाद में सिया राम, ठीक है, रणवीर सिंह है। और सिया राम के भी लगभग अभी कुछ साल पहले आपके सैफ अली खान होते थे, लेकिन फिलहाल कौन है इसके? रणवीर सिंह है, ठीक है। उसके बाद में फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो रणवीर कपूर और आपकी श्रद्धा कपूर, ठीक है। श्रद्धा कपूर के साथ में इसकी आलिया भट्ट भी थी,
फ्लिपकार्ट की रही है थोड़े से टाइम पीरियड के लिए। फिलहाल कौन है, श्रद्धा कपूर को आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, असम। असम की हम बात करते हैं तो स्टेट्स ब्रांड एम्बेसडर है ये असम के, कौन, हेमा दास। इम्पोर्टेंट, काफी बार पूछा जा रहा है ये, बहुत ज्यादा आ रहा है ये भी एग्जाम में हेमा दास के बारे में, ठीक है, ध्यान से याद करना। असम के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर है। अब स्टेट ब्रांड एम्बेसडर का दोस्तों मतलब ये होता है कि वो चाहे तो उनसे टूरिज्म का अपना एंटरटेनमेंट करवाने या फिर वो अपने स्टेट की कोई भी स्कीम का इनको दे दें कि प्रमोट कीजिए, तो ब्रांड एम्बेसडर स्टेट की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शार्प टीवी, इसके कौन है आपके, रोहित शर्मा, ठीक है। सो बड़े आराम से ये वाला भी पेज देखो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, और नेक्स्ट आपका सामने लिखा हुआ है समुद्रा ग्रुप। समुद्रा ग्रुप के दोस्तों आपके कौन हो गए, एम एस धोनी हो गए, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं रेमिट टू इंडिया, यानी कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफर पोर्टल है आपका रेमिट टू इंडिया, ठीक है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर आपके विराट कोहली बने हुए हैं, एक बहुत महंगे ब्रांड एम्बेसडर है, लेकिन फिलहाल आपको सारे ही याद करने पड़ेंगे कि किस, अब मान लीजिए कि कंपनी कोई संस्था है उन्होंने इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो वो अपने आप में भी कुछ होगी, ठीक है। सो ध्यान से याद कर लेना इन चीजों को सोच के। उसके बाद में फिलिप्स इंडिया की बात करते हैं, फॉर इट्स मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो आपके कौन होंगे यहाँ पे, विराट कोहली ही इसके बने हुए हैं यहाँ पे भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिगो पेंट्स, तो इंडिगो पेंट्स के कौन है, एम एस धोनी है, और आपने देखा होगा एग्जाम्पल टाइप में वो आता है, एक इन्होंने लोगो दे रखा है छोटा सा, वो भी होता है, एक इससे पहले एक डॉगी होता था एशियन इंडिगो पेंट्स के अंदर ही, ठीक है। कौन है इसके ब्रांड एम्बेसडर आपके, एम एस धोनी। बोट की बात करते हैं दोस्तों, तो बोट के कौन होंगे, जैकिन फर्टेंसा आपकी बोट के ब्रांड एम्बेसडर हो चुकी हैं, बन चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पेज पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोरिया पेरिस, ठीक है। आज सारे के सारे पढ़ लेंगे, जितने भी आज के आपके टीवी पे ऐड आ रहे होंगे ना, आज यहाँ पे क्लास में पूरे करके जाओगे आप सबके। लोरिया पेरिस के कौन हो गए, एम्बर हेड, ठीक है। उसके बाद में क्राफ्ट हेजेंट इंडिया की बात करेंगे तो इसके हो गए सौरभ गांगुली आपके, एजुकेट गर्ल्स, ठीक है। सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ टाइप में ये होगा, तो इसके कौन है, कैटरीना कैफ इसके ब्रांड एम्बेसडर हो गई। वारपूल के कौन है भाई, कीर्ति सरन है, और सुशांत सिंह राजपूत है आपके, ये एम एस धोनी में जिन्होंने रोल किया था धोनी का, ये वही वाले सुशांत सिंह राजपूत है, ठीक है। सो ध्यान से इनको भी याद रखना है। बाटा, बाटा की कौन होगी, कीर्ति सरन, बाटा की हो गई। टाटा सन्स इंपॉर्टेंट है, एस जय शंकर आपकी कौन है, टाटा सन्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, और ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिलेटेड ये इनका है। टूरिज्म फिजी की बात करते हैं तो इलियाना डी क्रूज इसके ब्रांड एम्बेसडर बनती है, ठीक है। सो किधर यहाँ वाले दोस्तों, इस पेज के भी ध्यान से नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, बाकी आपके चैनल पर तो क्लास आ चुकी है, जब मर्जी खोलो और रिवाइज कर लो, लेकिन फिलहाल क्लास में आपको पूरी करनी है और ध्यान से इनको पढ़ना है, ठीक है। और आते हैं दोस्तों लास्ट में, इसमें तो क्या है इस पेज का, सॉरी फर्स्ट वर्ड, अडाबर, ठीक है। किसके सनोनी डाबर की ब्रांड एम्बेसडर है। डॉलर मिस्सी कौन है इसकी, चित्रांगना सिंह, ठीक है। उसके बाद में मैटमेट्स की बात करते हैं तो एम एस धोनी ही मैटमेट्स की भी आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कि एक ऑनलाइन फार्मेसी है, ठीक है। रीबुक की बात करते हैं तो रीबुक के आपके कौन होंगे, नाथली एमुल, ठीक है। चलिए सो दोस्तों ये वाले यहाँ पे इस पेज की बिल्कुल क्लियर हुए आप सभी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे सो ल्यूब्रिकेंट इंडिया की बात करते हैं, तो ये क्या है, एक हिंदुजा ग्रुप कंपनी है। हिंदुजा ग्रुप के बारे में सभी ने सुना होगा, टॉप रिचेस्ट फैमिली के अंदर ही आपका हिंदुजा ग्रुप आता है। तो इन्होंने किसके बना रखा है, हार्दिक पांड्या को बना रखा है। हिंदुजा ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर हार्दिक पांड्या के बारे में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टेट एग्जाम में भी देखने को मिला आपके यूपी एमपी और बिहार एग्जाम्स के अंदर, राजस्थान पुलिस का भी एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया था हिंदुजा ग्रुप के बारे में। सो चांसेस हैं दोस्तों काफी ज्यादा, ध्यान से याद कर लेना, ठीक है। वीवो की बात करते हैं, आमिर खान सभी को पता है वो कैमरा लेके इसका ऐड कर ले, टीवी पर नॉर्मली दिख जाता है, बकायदा बस बात ये होती है कि आप गौर कितना कर पाते हो, है ना। चलिए युवर की बात करते हैं तो युवर के कौन हो गए, विराट कोहली आपके युवर के ब्रांड एम्बेसडर बना रखे हैं। गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 महेंद्र सिंह, एम एस धोनी आपके बने हुए हैं। चॉकलेट स्निकर्स की बात करता है, इसके भी एम एस धोनी हो गए। हाँ इसमें ना दोस्तों एक काम करना, मेरी बात अगर आपको सही लगे आप मुझे बताना, कमेंट में हम बात करेंगे बिल्कुल। तो एम एस धोनी के बारे में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर के मैंने यहाँ पर नाम लिए हैं, जो ब्रांड जो है इनके जिसके एम्बेसडर हैं, तो उनको ना आप अगर कोशिश कर सकते हो तो एक लिस्ट बना लेना अपनी कॉपी पर, उनको याद कर लेना, ठीक है। और अगर वैसे कर सकते हो तो वैसे कर लीजिए, वरना आपको अगर क्लास में आपको सर्टिफिकेशन हो रहा है कि मैं ऐसे ही याद कर सकता हूँ तो आप ऐसे याद करते हो, चलिए ठीक है। चलिए बाटाज न्यू स्पोर्टवेयर की बात करते हैं तो स्मृति मधाना आपकी बाटाज न्यू स्पोर्ट, यानी कि बाटा के बारे में हमने दो पढ़े हैं,
तो ये किसकी है, ये स्पोर्ट्स वियर जो है बाटा की एक ब्रांड ने अलग एक बना रखी है सब पार्ट में, तो इसकी है आपकी समिति मधाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पर आते हैं। और नेक्स्ट नहीं है, ये हमारा आज की क्लास का लास्ट पेज था। सो दोस्तों आपके जितने भी ब्रांड एम्बेसडर थे, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, कंपनियों के भी आपने सारे पढ़ लिए, उसके बाद में गवर्नमेंट सेक्टर के जो है वो भी पढ़ लिए। सो दोस्तों जैसे भी ये तीनों सेक्शन हमने यहाँ पर आपके लिए अपलोडेड किए हैं, ध्यान से इनको पढ़ना, अच्छे से याद करना। और दोस्तों देखिए, लाइव तो सेशन नहीं चल रहा है, ये हमारा एक रिकॉर्डेड क्लास आपके सामने हमने ये लेकर आए हैं ताकि आप अच्छे से इनको याद कर लो। दोस्तों अपना रिव्यू जरूर से देना प्लीज, क्योंकि उस रिव्यू को देखते ही हमें ये पता पड़ेगा कि हमारे फ्लोज जो है वो कैसा चल रहा है। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, तो इसीलिए हम आपसे ये चीजें बोलते हैं। ठीक है, सो वेट है आपके रिव्यू का जरूर से करना। कुछ भी एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन आपको देना हो, कुछ सजेशन देना हो, या कुछ इस तरह से बताना हो कि सर इस टॉपिक पर एक वीडियो जरूर से बना दीजिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा हो तो जरूर से बताइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, बढ़िया से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप इन सभी को याद करिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए खूब, बिल्कुल अपने एम को पाने में सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, बाय सभी को, बेस्ट ऑफ लक।